भाई साहब राम राम जी। राम राम जी। राम राम। जय गो माता। जय गोपाल जी। आज की वीडियो में कितनी गायें कवर करेंगे जी? पांच ही गायें दिखाएंगे। पांच गायें दिखाएंगे जी। जी ब्याई हुई है जी इनमें कुछ? हाँ जी हाँ जी, चार ब्याई हुई है। चार ब्याई हुई है जी और एक गाय गाभिन भी है जी। जी टोटल संख्या में पांच है जी। जी ठीक है, कंप्लीट डिटेल लेंगे जी। जी आपकी सभी गायों को देखेंगे परखेंगे जी। जी और साथ ही वीडियो में दिखाई गई गायों की आपसे कीमत भी जानेंगे जी। दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें जी। गगन भाई साहब की एक और खासियत है जी, एक खासियत तो आप सामने देख पा रहे हो, गोपालन में भाई साहब की जबरदस्त रुचि है। और दूसरी जी व्यवसाय से डॉक्टर है जी, वेटनरी डॉक्टर जी। जी गायों का पालन पोषण भी करते हैं और साथ ही साथ गायों की सेवा भी करते हैं जी। जी एक नज़दीकी गौशाला है उसमें सेवा देते हैं जी। 14 सालों से दे रहे हैं। 14 सालों से जी। पिछले 14 सालों से गोपालन में रुचि तो है ही, साथ ही गो सेवा में भी रुचि है जी। जी और गो सेवा में खुद का व्यवसाय है जी, वेटनरी डॉक्टर है जी, इसलिए इन गायों की चिकित्सा में बड़ा योगदान देते हैं जी। जी 70 बेसहारा बीमार पशु है जी अपने पास। हाँ जी भाई साहब, 70 बेसहारा बीमार पशु हैं। 70 जी, 70 जी। जी संख्या में 70 बेसहारा जो बीमार पशु है जी। जी उनकी सेवा करते हैं जी। जी उनकी देख रेख करते हैं जी। कोई कटा हुआ है, कोई फटा हुआ है हाँ, किसी की टांगे कटी हुई है हाँ, किसी की चोट है, चोट वगैरह, तो उनका इलाज भी करते हैं जी। जी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं या कुछ सेवा लेते हैं जी? नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट जी। जी फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं जी। जी दर्शकों के साथ ये अनुभव साझा करने के पीछे मेरा तात्पर्य ये है कि आप भी अपनी गायों से संबंधित यदि कोई परेशानी में है जी, जी उनकी बीमारी से या किसी अन्य समस्या से जी, जी अगर आप भी दो चार हो रहे हैं तो जरूर से भाई साहब से उस बारे में भी बात की जा सकती हाँ, है। कर सकता है, कंप्लीट डिटेल लेंगे जी। जी जी गगन भाई साहब सबसे पहले आपका अपना यहाँ का एड्रेस शेयर कर दो जी। सिटी केसर सिंहपुर है जी हाँ, जिला श्री गंगानगर है हाँ, स्टेट राजस्थान है जी। ठीक है जी और मोबाइल नंबर क्या है आपके? मोबाइल नंबर है 8696866003। ठीक है जी और एक दूसरा नंबर है जी 8104222971। ठीक है जी दोनों नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ। दर्शकों से ये अनुरोध फिर से करूंगा कि लास्ट तक वीडियो देखें, हर गाय को देखेंगे परखेंगे और आप भी वीडियो के अंत तक रहिएगा ताकि गायों की पूरी जांच परख कर पाएं जी। प्राइस की रेंज बताओगे जी आज? प्राइस की रेंज 25,000 से स्टार्टिंग है जी। 25,000 रुपये से शुरू हो जाएगी जी। जी और लास्ट हाइएस्ट क्या रेंज तक की रहेगी जी? 55,000 रुपये। 55,000 जी। जी 55,000 रुपीज़ में गाय मिल जाएगी जी। जी हाइएस्ट रेंज में जी। तो शुरुआत करें जी एक नंबर से जी। जी ये एक नंबर वाली गाय की डिटेल दे दो जी। ये राठी नस्ल में है जी। राठी ब्रीड की है जी। जी बिना सींग वाली? बिना सींग वाली है जी। अच्छा बाकी डिटेल आप शेयर कर दो जी। सामने जो गाय दिखाई दे रही है जी जी वो हेल्थ में हष्टपुष्ट लग रही है जी। जी दूध की और ब्यांत की डिटेल भी दे दो जी। दूसरे ब्यांत में है जी हाँ, पीछे फीमेल काफ है, बहुत अच्छी बछड़ी है। बछड़ी है जी। अच्छा किस नस्ल में है जी बछड़ी? बछड़ी गदरी राठी है जी। गदरी राठी जी। जी खुद भी राठी और बछड़ी भी राठी जी। जी ब्याई हुए टाइम कितना हो गया जी? आज इसको तीसरा दिन है जी। तीसरा दिन जी। जी 3 दिन की ब्याई हुई है और साथ में बछड़ी बता रहे हो जी। जी तो खीस कितना निकलवा रहे हो जी? खीस इसका 5 लीटर है जी। 5 लीटर एक टाइम का? हाँ एक टाइम का निकाल रहे हैं। अच्छा तो पिछले ब्यांत में दूध क्षमता कितनी रही हुई है? 7 लीटर बताया जी एक टाइम का। 7 लीटर एक टाइम का जी। जी 7 लीटर एक टाइम की दूध क्षमता मतलब 14 लीटर रहा हुआ है जी। जी इस बार आपकी उम्मीद क्या है जी? इतना ही देगी कोई लीटर चाहे अगर अच्छी सेवा हुई तो। 14 लीटर की आपकी उम्मीद है जी। जी ठीक है जी और इसके लिए मोल क्या लोगी जी? मोल छोटा सा ही मोल है जी इसका। क्या रखा है? सिर्फ 45,000 रुपये। 45,000 जी। जी 45,000 रुपीज़। एक और जी ये 2 नंबर पर गाय, इसकी भी डिटेल साथ साथ शेयर कर दो जी। ये साहिवाल ब्रीड में जी। साहिवाल ब्रीड में जी। जी साहिवाल ब्रीड की ये गाय जी। जी नस्ल की साहिवाल है। ब्याई हुए कितने दिन होगी इसको? ब्याई को इसको 20 दिन हो गई। 20 दिन जी। जी 20 दिन की ब्याई हुई है जी। जी और बच्चा क्या लिया ये जी? बच्चा मेल है जी। बछड़ा इस गाय के जी साथ जी। तो 20 दिन की ब्याई तो पूरे दूध पे होगी जी? पूरे दूध पे है जी हाँ, क्योंकि यही 15-20 दिन के अंदर दूध बढ़ता है जी। जी और वो 15-20 दिन इसके पूरे हो चुके हैं जी। जी तो पूरे दूध पे होगी जी। जी पूरे दूध पे ही है। कितने दूध बना लिए जी अभी? 13-14 लीटर ही है। 13-14 लीटर है। कांटा तोल वाला जी, निकालने कांटा तोल वाला जी। जी अच्छा निकाल के कोई देखना चाहे तो जी? चाहे 10 बार देखे 15 बार देखे। किस तरीके से? चाहे पहली बात तो आके अपने हाथ से निकाल के देखे हाँ,
ठीक है। हाँ। अगर वो नहीं आ सकता वीडियो कॉल पे दो टाइम तीन टाइम अपना देख के परख के फिर लेके जाए। बढ़िया चीज तो यही कह रहे हो आप, वीडियो कॉल पे नहीं देखे बल्कि आके देखे, आके ही देखे। हाँ। अपने हाथ से निकाले फिर उसको पता चलेगा कि कितना दूध है। है जी। और एक बात और है, अगर ये दूध ना निकाले जितना बताया, ठीक है, गाय फ्री। अच्छा, ये भी है, जितना बताया उतना दूध नहीं निकाले तो गाय भी फ्री। गाय फ्री, गाय फ्री दे दोगे। गाय दिखाई दे रही जी, पतली चमड़ी की है, बॉडी पर मास नहीं चढ़ा है बल्कि अंडर में डेवलपमेंट ज्यादा दिखाई दे रही जी, है। जी जी। मोल क्या लोगी जी इसका? मोल छोटा सा मोल है जी इसका। क्या रखा है? सिर्फ 40,000 रुपए। 40,000? जी जी। 40,000 रुपीज। जी जी। कुछ गुंजाइश रहेगी जी? बिल्कुल, मान सम्मान जरूर करेंगे जी। मान सम्मान करेंगे, लास्ट में ऑफर भी आएगा। अच्छा, ऑफर भी आएगा। जी जी। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। जरूर देखते हैं। ऑफर जानना हो जी जी तो लास्ट तक वीडियो में जरूर देखना पड़ेगी। वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और जय गौ माता कमेंट में भी लिखना पड़ेगा, कमेंट में भी लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये तो जरूरी है जी। जी जी। ठीक है, तीसरे नंबर वाली गाय और देख लेते हैं। ये भी बेबी है जी जी। ये कितने दिन की बेबी हुई है सर? इसको तीसरा दिन हो गया जी। तीसरा दिन? जी जी। तीन दिन की बेबी है और नस्ल की साहिवाल। जी जी। नस्ल की साहिवाल, तीन दिन की बेबी। बच्चा क्या लिया ये? ये मेल है जी इसके पीछे। मेल है इसके साथ जी। बछड़ा है? बछड़ा है जी। ठीक है, कितने दूध क्षमता की जी? ये दूध इसका 6 लीटर है टाइम का, अभी खीस निकाल रहे हैं इसकी। अच्छा जी। कितने दिन की बेबी होगी इसको? 4 दिन हो गए जी। 4 दिन की बेबी है, हफ्ते भर से कम की बेबी है जी। जी। दूध क्षमता कितने वाली है जी? ये दूध उन्होंने 16 लीटर बताया जिससे लेके आया हूँ जी। हाँ, 16 लीटर जी जी। अच्छा, पिछले ब्यांत का कितना बताया जी? पिछले ब्यांत का ही बताया जी। अच्छा, ये 16 लीटर पिछले ब्यांत की दूध क्षमता बताई है जो निकाला हुआ जी जी। अच्छा, इस बार की क्या दूध उम्मीद करेंगी जी? 16-17 लीटर रामदारी से देगी जी। 16-17 लीटर जी जी, जैसा पिछले ब्यांत में रखा हुआ है जी जी, उसी हिसाब की इस बार भी उम्मीद है जी जी। अपने उतना ही माने। हाँ, इतना तो 100% देगी देगी। हाँ, चाहे कोई लिखवा के चल लेके जाए। अच्छा, अभी निकाल के दिखाने वाला कितना है? निकालने वाला 7 लीटर है टाइम का। 7 लीटर टाइम का। हाँ, खीस निकाल रही है अभी तो। हाँ जी, खीस निकाल रही है। खीस ही निकाल रही है जी जी। तो दूध तो बढ़ेगी फिर? बढ़ेगी जी, बढ़ेगी। गाय बहुत अच्छी है जी। गाय अच्छी, क्योंकि ये साहिवाल में नहीं आती जी। हाँ, ये रेड सिंधी में है। रेड सिंधी में है जी। कुछ रेड सिंधी वाले भी गुण लक्षण है इसमें जी जी। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान की सबसे बढ़िया गाय रेड सिंधी थी। हाँ, जो कि अब लुप्त हो चुकी है एक तरह। हाँ, बहुत ही कम, बहुत कम मात्रा में। वो भी मिक्स होती है, जो भी दिखती है जी जी, लगभग मिक्स दिखाई देती है जी जी। तो अच्छे सिमन का यूज करके तो वापस उसको बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उस लेवल पे वापस लेके आ सकते हैं। मोल क्या रखोगे जी इसका? मोल इसका 55,000 रुपए। 55,000 जी जी। 55,000 रुपीज जी जी। ठीक है जी, अगली गाय और देख लेते हैं आपकी। 4 नंबर पर, 4 नंबर वाली गाय की और डिटेल दे दो जी। ये फर्स्ट ब्यांत में है जी। ये पहले ब्यांत में है जी। ठीक है, नस्ल की जी? राठी में है जी। नस्ल की राठी और पहला ब्यांत है जी जी। पहले ब्यांत की बछड़ी कहेंगे? बछड़ी है जी, बछड़ी कहेंगे जी जी जी। ठीक है, इसकी ब्यांत की डिटेल और दे दो जी। इसको हो गई, महीना हो गया जी, एक पूरा महीना हो गया पूरा गायबे को जी जी। बच्चा इसके साथ क्या है? फीमेल है जी, बछड़ी है जी। तो ये लॉटरी वाली होगी जी? जी, और फुल क्वालिटी की, ऐसे नहीं है कि क्वालिटी कम होगी बछड़ी में। अच्छा, फुल क्वालिटी की बछड़ी है पीछे साहिवाल, बछड़ी भी क्वालिटी में है जी जी। ठीक है, तो दूध इसका कितना तैयार हो गया? महीने भर की बेबी है। दूध इसका ही 5 लीटर टाइम का। 5 लीटर टाइम का, 10 लीटर दोनों टाइम का जी जी। और बढ़ेगी या इतना ही माने? इतना ही रहेगा जी, लास्ट इतना ही माने। महीने भर में जितना बढ़ना होता है बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इससे ज्यादा तो जी, फर्स्ट ब्यांत में है जी। हाँ, इतना अब तो ये हीट पे आएगी, अब तो ये हीट पे आएगी जी जी, और गैबिन होगी जी जी। तो गैबिन होने के बाद तो ज्यादा बढ़ता ही नहीं है? नहीं जी नहीं, गैबिन होने के बाद तो दूध जितना बढ़ना होता है बढ़ चुका होता है जी जी। ठीक है, इसका मोल क्या लोगी जी? इसका मोल छोटा सा ही है। क्या रखा है? 25,000 रुपए सिर्फ। हाँ जी, 25,000 रुपए। 25,000 रुपए जी जी। 25,000 रुपए में पहले ब्यांत वाली बछड़ी वाली राठी नस्ल की गाय जी जी, मीडियम कद का ठीक है, मीडियम है जी बिल्कुल। और दूध आप बता रहे हो आके निकाल के देख सकते हैं? आके निकाले, अपने हाथ से निकाले। हाँ ठीक है जी, फिर लेके जाए। कैमरे में तो जी सारी गाय एक ही जैसी लगती है जी जी। इस गाय का कद थोड़ा सा मीडियम है, बाकी गायों से मीडियम कद की है जी। मीडियम कद है जी जी। तो बहुत ज्यादा बड़े कद की उम्मीद नहीं करें जी जी। जिसको मीडियम कद काठी की गाय चाहिए पहले ब्यांत वाली जी जी, वो ये ले सकते हैं जी। जैसे ब्यांत बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉडी फिजिक और हैवी होगी, होगी जी, और ही होगी, तभी होगी जी जी जी। छोटे कद में है जी जी। ठीक है, अगली गाय और दिखा दो जी भाई साहब। ये किस नस्ल में है जी? ये साहिवाल में है जी। साहिवाल जी जी, बड़े हम वाली साहिवाल जी जी। अच्छा, ये कौन से ब्यांत? ये ओल्ड साहिवाल है जी।
ओल्ड ब्लड लाइन। ओल्ड ब्लड लाइन सही बात है। ठीक है, क्या डिटेल है जी इसकी? ये 4 मंथ की प्रेग्नेंट है जी। 4 महीने की? जी जी। अच्छा, तो अभी फिर दूध निकाल रहे हो, दे रही है या नहीं दे रही? नहीं जी, ड्राई। अभी ड्राई है? जी जी, अभी दूध से ड्राई है। जी जी। ठीक है जी, तो ये लेट प्रेग्नेंट हुई है? हाँ जी, लेट हुई है जी। हाँ, 4 महीने की गैपिंड है। जी जी। तो चेक करना चाहे तो जी? कर सकता जी, अपना डॉक्टर लाए, चेक करके फिर लेके जाए। हाँ ठीक है, ये ऑनलाइन मंगाएगा, अपने लिख के देंगे उसको। हाँ ठीक है, प्रेगनेंसी की? जी जी। अच्छा। सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट बना के देंगे। हाँ। हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के देंगे इसका। सरकारी डॉक्टर से जी सर्टिफिकेट जी। बनवा के दोगे क्या इनका? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, क्या दूध की उम्मीद रखें जी? दूध देगी ये 10-12 लीटर ही है। 10-12 लीटर? जी जी, 10-12 लीटर दोनों टाइम का मिला के। जी जी। और पिछले ब्याज की कितनी रही है जी दूध? इतना ही रहे जी, यही रहा है अपने, यही माने इस बार भी, यही माने। जी जी। ठीक है, इसका मोल क्या लोगे जी? इसका मोल भी 25,000 रुपये। 25,000 रुपये? जी जी। तो ये 25,000 रुपये वाली दो गाय हैं जी जी, जिनका बजट कम है। जी जी। वो इन दोनों में से किसी भी गाय को सेलेक्ट कर सकते हैं। जी जी। किसी को ब्याई भी चाहिए तो ये है जी, और अगर गैबिन चाहिए तो ये लास्ट वाली गाय है। ज्यादा डिमांड क्या है कि जो लंबे सफर में वो कहते हैं कि कम टाइम की प्रेग्नेंट गायें हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाके हमारे वातावरण में मिल जाए। हाँ, अब परिवार में भी गुल मिल जाए जी, जी जी, परिवार में अपने स्वभाव के अनुरूप भी गुल मिल जाए। जी जी, तभी सक्सेसफुल रहती है। देसी गाय जो दूर ले जाना चाहते हैं उनके लिए यही संदेश है। जी जी। आके प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें और गैबिन गाय लेके जाए। हाँ जी जी। जिनको ब्याने में लगभग 2 महीने के आसपास बचा हो, वही सेट होती है जी, वही वहाँ पे जाके सेट होती है, वही दूध निकालती है, वही दूध पूरा देती है। नहीं तो यहाँ तो पूरा दूध निकाल के दिखा देते हैं। जी जी। जाने के बाद वो 2-2 लीटर देती है। वो क्या है कि एक तो क्या है, सफर में जैसे दिक्कत आ जाती है, परेशान बिल्कुल हो जाती है पशु। हाँ। ठीक है, और क्या है कि जो ड्राइवर होते हैं जैसे, हाँ। उसका खलासी हो गया। हाँ। वो क्या है कि बच्चे को सीधा छोड़ दिया नीचे, दूध निकाला नहीं। ठीक है, वो तो ड्राई होगी होगी जी। सही है, बच्चे ज्यादा दूध पी जाते हैं। जी जी, ज्यादा क्या है कि वो उसको निकालना, जितना बच्चे ने पीना है बच्चे ने उतना पीना है। हाँ। बाकी तो बीच में रह गया। हाँ, थनों में रह जाता है। वो सड़न तो आएगी आएगी जी। हाँ। तो उससे इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, उसके कारण ही दूध कम देती है, दूध कम हो जाता है। जी जी, शानदार जानकारी दी है जी आपने। उम्मीद करता हूँ दर्शकों को ये जानकारी भी पसंद आई होगी और साथ ही आपकी गायें भी पसंद आई होगी। व्यूअर्स, आपको ये गाय कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जी जी। और साथ ही गगन भाई साहब के अनुभव को भी जरूर से जाने। जी जी। यहाँ आकर गाय देखें परखें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर से लिखें। जी। गाय कौन से वाली ज्यादा अच्छी लगी वो भी जरूर बताएं। बताएं। और ऑफर ये है। हाँ। अगर ये 4 गाय लेता है ये गाय फ्री है। अच्छा, ये जो शुरुआत में ये 4 गाय दिखाई थी। जी जी। ये अगर गाय ले जी तो ये 5वें नंबर वाली जो लास्ट आपने बताई है 25,000 रुपए वाली गैबिन गाय, जिसको गैबिन हुए 4 महीने हुए हैं। जी जी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे दोगे? फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। ये भी ऑफर शानदार है जी। जी जी। कैसे लगा आप व्यूअर्स ये ऑफर, ये भी जरूर से कमेंट में बताएं। जी जी जी। गगन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी गाय दिखाई है जी। बिल्कुल जी, रीजनेबल प्राइस बताए हैं। जी जी। और साथ में लास्ट में जाते जाते एक ऑफर भी दे दिया है, धमाका दे दिया जी, धमाका ऑफर दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। जय गो माता। जय गोपाल जी।